लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक पुरानी झोपड़ी में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज सुबह जंगल में बांस काटने जाता था। वो और उसकी पत्नी फिर उससे अलग अलग चीजें बनाते और उन्हें बाजार में बेचते थे। वो बहुत खुश होते अगर उनके यहाँ बच्चे होते, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन बांस काटते समय उसे बांस का एक अजीब सा टुकड़ा दिखाई दिया। चमकदार चांद की तरह चमक रहा था। लकड़हारा बहुत जिज्ञासु था। उसने ध्यान से बांस को खोलने के लिए एक हल्का सा कट दिया और जब उसने काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कन्या है। अंदर एक छोटी सी लड़की थी जो अंगूठे जितनी बड़ी थी। वो सबसे सुंदर बच्ची थी। उसने तुरंत उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने लड़की को बांस से बाहर निकाला और बच्ची को अपनी हथेली में रख लिया और ध्यान से अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर धीरे से उसने अपनी हथेली खोली। ये चांद की तरह चमकती है, हमें इसका नाम चांदनी रखना चाहिए। ये तो बहुत छोटी है, कहीं से ठंड तो नहीं लग रही, मैं इसे कंबल उड़ा देती हूँ। पत्नी ने एक कंबल लिया और उसके अंदर चांदनी को लिटा दिया। जैसे ही उस पर चांद की रोशनी पड़ी, छोटी लड़की एक सामान्य आकार के बच्चे में बदल गई। दंपति ने एक दूसरे को देखा और वो चकित रह गए। हमारी नन्ही चांदनी मुट्ठी भर होने वाली है ना? अगली सुबह लकड़हारा फिर से बांस काटने के लिए जंगल में चला गया और एक बांस काटते समय उसके अंदर उसे सोने की अंगूठी मिली। लकड़हारे और उसकी पत्नी दोनों को तुरंत पता चल गया कि ये सब नन्ही चांदनी के सौभाग्य से ही उन्हें मिला है। तब से हर दिन लकड़हारा सोने की अंगूठी लेकर घर लौटता। जल्द ही वो बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा सा घर बना लिया। महीनों बीतते गए और उनकी बेटी पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से बड़ी हो रही थी। थोड़े समय में ही चांदनी एक खूबसूरत युवती बन गई और दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। एक रात जैसे ही चांदनी सो गई, लकड़हारा अपनी पत्नी से चिंतित होकर बात करने लगा। मैं चिंतित हूँ, अब ये बड़ी हो गई है, लोग इसकी खूबसूरती के लिए कानाफूसी कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन हम हमेशा तो उसे नहीं रख सकते। एक दिन लकड़हारे ने अपनी बेटी से उसकी शादी के बारे में बात की। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? ओह, मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम कुछ लड़कों से मिलो और शादी करने पर विचार करो, ठीक है? चांदनी उसे ना नहीं कह सकी, लेकिन अगले ही दिन सम्राट चांदनी से शादी के प्रस्ताव के साथ वहाँ पर आ गया। आप सम्राट हमारे घर पधारे, हमारा सौभाग्य है। झुकना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, चांदनी यहाँ पे आओ बेटा। जैसे ही चांदनी वहाँ आई, वो उसे देखकर स्तब्ध रह गया और उसकी सुंदरता पर मर मिटा। लेकिन चांदनी उसे कुछ कहना चाहती थी। मैं जानती हूँ, मैं जो चाहूंगी आप मुझे वो दे देंगे, इसलिए मैं केवल आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, मेरी बात का आदर रखेंगे? मैं शादी नहीं करना चाहती। आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है, लेकिन क्या मैं बदले में कुछ मांग सकता हूँ? क्या मुझे आपका दोस्त बनने का सम्मान मिल सकता है? सम्राट और चांदनी दोनों मित्र बन गए और वो बातें भी करते। किसी की भी उसे प्रस्ताव देने की हिम्मत ना होती क्योंकि सम्राट स्वयं उसे प्रस्ताव दे चुके थे। एक रात जैसे ही लकड़हारा अपने कमरे में आया, उसने देखा चांदनी खिड़की के पास बैठी है और वो चांद को देख रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चांदनी तुम रो क्यों रही हो? हर रात को मैं एक ही सपना देखती हूँ पिताजी। और वो क्या है? मैं देखती हूँ मुझे चांद के पास ले जाया जा रहा है चांद के लोगों द्वारा, और कल रात मुझे एक आवाज सुनाई दी कि वो दिन आ गया, इस माह की 15वें दिनांक को वो आकर मुझे ले जाएंगे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लकड़हारी ने चांद की तरफ देखा, उसने पहली बार देखा, उसे लगा जैसे चांद बदरंग हो गया और जैसे उसकी चमक किसी ने छीन ली हो।
उसने दूसरे ही पल सम्राट को संदेशा भेजा और उनसे मदद के लिए कहा। सम्राट ने शपथ ली कि उसकी चांदनी को उसे कोई नहीं छीन सकता। 15वां दिन आ गया। चांदनी के घर को 2000 सिपाहियों के द्वारा घेर लिया गया, जो अपने तीर कमान के साथ तैयार थे। सम्राट ने स्वयं अपनी तलवार खींची और घर के सामने खड़ा हो गया। लकड़हारा चांदनी को तहखाने में ले गया। बाहर चांद से एक सुंदर बांसुरी की धुन निकलती सुनाई दी। तभी सिपाहियों ने ऊपर देखा और एक सुंदर गाड़ी को नीचे तैरते हुए देखा, जो परियों से घिरी हुई थी। वहां बांसुरी बज रही थी। अचानक चांदनी को जमीन से ऊपर तहखाने से परियों और उसकी गाड़ी की ओर से ऊपर उठा लिया गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी पीछे दौड़े, लेकिन हवा में उस तक नहीं पहुंच सके। जब परियों ने चांदनी को छुआ तो उसकी पोशाक एक लंबे सफेद गाउन में बदल गई। उसने आंखें खोली और प्यार से मुस्कुरा दी। उसका डर अब समाप्त हो चुका था। वो अपने माता पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। पिताजी, आपने मेरी बहुत अच्छी देखरेख की, लेकिन मुझे अब अपने लोगों के पास लौटना होगा चांद को रोशनी देने के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? चांद धुंधला है क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। मैं चांद नहीं हूँ, मेरे बिना चांद अधूरा है। मैं एक दिन भटक गई और भूल गई जब मैंने धरती पर पैर रखा था। भ्रमित और थकी हुई मैं बांस में बैठ गई, जहाँ से आपने मुझे पाया। तो क्या तुम्हें अभी जाना है? क्या तुम हमें याद नहीं करोगी? माँ, मैं हर रात आपसे मिलने आऊंगी। उस समय जब आप मुझे नहीं देखेंगे, आकाश में कोई चंद्रमा भी नहीं होगा। चांदनी उनकी गाड़ी में बैठ गई और परियों ने उसे चांद तक पहुंचा दिया। लकड़हारे ने अपने आंसू पोंछे और उसने चांदनी के लौटने का इंतजार करा। निश्चित रूप से वो हर रात पूर्णिमा के प्रकाश के रूप में लौटती थी। चांद अपनी पूरी रोशनी से चमका। लकड़हारे ने अपना बड़ा घर बेच दिया और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आ गया, जिसकी छत में छेद थे और यही हर रात उसकी चांदनी को उनके घर में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका था। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपना शेष जीवन शांति से बिताया और बस वो चांदनी को देखा करते। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!